हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास। अब अपने पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। जो अपने काम करते हैं उसको वर्ब कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। जैसे कि अब बुक के हिसाब से अपने पढ़ते हैं, जिन शब्दों से किसी काम के होने तथा करने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे कुछ काम है जो अपने आप होते हैं और कुछ काम है जो अपने करते हैं, तो उसको दोनों को ही क्रिया कहा जाता है। करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है, सुबह का समय है, ठंडी हवा चल रही है। अब चलना क्या है? चल रही क्या है? चल रही क्रिया है जो कि अपने आप हो रही है। सीमा के परिवार के सभी लोग उद्यान में आए हैं। आए क्या है? उद्यान में आए हैं, वो खुद आए हैं, तो वो भी एक क्रिया है। सीमा अपनी सहेली के साथ खेल रही है, खेलना क्या है? क्रिया। उसका भाई नरेश अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है, क्या है? क्रिया। दादाजी अपने मित्रों के साथ पार्क में घूम रहे हैं, घूमना क्या है? क्रिया। सीमा के पापा अखबार पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या है? क्रिया। मम्मी अपनी सहेली के साथ बातें कर रही है, तो बातें करना क्या है? क्रिया। वापस इसमें देखिए आप, उपयुक्त वाक्यों में चल रही, आए, खेल रही, खेल रहा, घूम रहे, पढ़ रहे और बातें कर रही, इन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा है, ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि कुछ काम प्रकृति के द्वारा स्वयं अपने आप होते हैं और कुछ हैं जो अपने को करने पड़ते हैं, उन सबको क्रिया ही कहा जाता है। जैसे सूरज निकल रहा है, आसमान में तारे चमक रहे हैं, ये सब क्या है? प्रकृति के किए हुए कार्य हैं, इन सबको भी क्रिया कहा जाता है। और अपने जैसे पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये सब क्या है? अपने द्वारा किए जा रहे हैं, वो सब क्रिया ही होती है। क्रिया के भेद, क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक का क्या है? जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सहकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि दिवेश पुस्तक पढ़ रहा है, मीरा फूल तोड़ रही है, ये सब क्या है? सहकर्मक, क्योंकि इनमें किसी के साथ कर्म हो रहा है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है। जैसे दिवेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये सब क्या हो गया? किसी के साथ, मतलब पुस्तक के साथ हो रहा है। ये मीरा फूल तोड़ रही है, तो फूल के साथ कार्य हो रहा है, तो इनको सहकर्मक कहते हैं। दिवेश और मीरा क्रम है, पढ़ रहा, तोड़ रही, इस प्रकार से वाक्य सहकर्मक क्रिया है। इस प्रकार की क्रिया के व्यापार का फल प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उन्हें सहकर्मक क्रिया कहते हैं। मैं सहकर्मक क्रिया आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ। सहकर्मक किसी के साथ जो क्रिया होती है उसको सहकर्मक कहते हैं। क्रियाओं का साथ कर्म के साथ होता है या किसी के साथ होता है उसे सहकर्मक कहते हैं। जैसे कि दिवेश और मीरा, ये दोनों क्या है? कर्म है। सहकर्मक किसे कहते हैं? कर्म के साथ जो कार्य होता है उसे सहकर्मक कहते हैं। जैसे कि मीरा और दिवेश कर्म है, वो दोनों उस काम को कर रहे हैं, इसलिए उसको सहकर्मक कहते हैं। नेक्स्ट है अपने अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, ऐसा पक्षी के साथ कुछ भी नहीं है, कर्म वगैरह, तो उसको क्या कहते हैं? अकर्मक, बिना कर्म के। उपयुक्त वाक्य में पक्षी करता है, कर्म नहीं है, तथा क्रिया उड़ रहे हैं, अतः यह अकर्मक क्रिया है। क्रिया की पहचान कैसे करें? वाक्य में सहकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। जो भी उत्तर मिलता है उस कर्म को क्रिया का सहकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मुकेश सेब खा रहा है, प्रश्न का क्या होगा इसका? मुकेश क्या खा रहा है? उत्तर क्या होगा? सेब। मुकेश सेब खा रहा है। वाक्य में पढ़कर क्या लगाने से यदि प्रश्न का उत्तर न मिले वह अकर्मक क्रिया है। जैसे सुरेश जा रहा है, प्रश्न सुरेश क्या जा रहा है? उत्तर नहीं। सुरेश क्या जा रहा है? उत्तर नहीं, सुरेश नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है, क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सहकर्मक। अकर्मक के अंदर क्या है? बिना कर्म के जो क्रिया होती है, और सहकर्मक के कर्म के साथ जो क्रिया होती है उसे सहकर्मक क्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्रिया पढ़ाई है, आप एक बार क्रिया को वापस रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, इनके भेदों की भी परिभाषा याद करेंगे। नेक्स्ट के अंदर मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।